को नदियों से मेरा नमन। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम की सफलता को बढ़ाने के लिए जो भी उपस्थित हैं आज, वे सभी अभिनंदन उनका है और सभी धन्यवाद के अधिकारी हैं, क्योंकि इतने महान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसे गृहपति की ओर से आपको, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रखंड का मैं शिक्षा अधिकारी हूँ और आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जाने अनजाने मैं इस जगह पर आ गया और एक महान कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इसके लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है हमारे प्रियजन, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि अशोक महान और तथागत को आप सभी जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता, सिर्फ इनको धारण करने की जरूरत है। जिनको हम भूल रहे हैं उनको स्मृति में लाने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने माता पिता का होता है, वह अपने माता पिता की प्रिय संतान होता है। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे समाज का हो जाता है और समाज में से गुजरता हुआ जब वह अच्छा काम करता है तो क्रम से वह सामाजिक जो हमारी इकाई है उससे आगे बढ़ते हुए वह देश का होता है, प्रांत का होता है, जिला का होता है और क्रम से वह महान हो जाता है। तो उसकी महानता जन्मजात नहीं होती है, उनके छोटे छोटे काम जब संचित होते हैं और वही छोटा छोटा काम जो है उनको महान बना देता है। तो इस अवसर पर चूंकि मैं विशेष आप लोगों का समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बगैर शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस कार्यक्रम के साथ शिक्षा को बढ़ाने में, बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग करें, तभी आप हमारे अशोक महान के कृतित्व को वे समझ पाएंगे, हमारे तथागत को वे समझ पाएंगे। आज शिक्षा का स्तर बढ़ा इसलिए आप सभी भी इसको जान पाए, नहीं तो ये ईशापुर 304 में महान अशोक का जन्म हुआ था और आज ये बृहत रूप ले रहा, जबकि ये सम्राट चक्रवर्ती के रूप में भी सम्मानित हुए और अशोक महान भी हो गए। तो चक्रवर्ती होना तो अपने कृत्य से हुआ, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, बहुत सारे अच्छे काम किए और इनके कार्यकाल में एक युद्ध भी हुआ जो भयंकर नरसंहार हुआ, कलिंग युद्ध, जिसने इनकी आत्मा को बदल दिया। दूसरे यदि सम्राट होते, दूसरे राजा होते तो उस पर गौरव महसूस करते, इसलिए वे महान नहीं हो पाए। बहुत सारे सम्राटों के कार्यकाल में भयंकर नरसंहार हुए, साम्राज्य विस्तार हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने आप को समझा नहीं इसलिए वे महान नहीं हो पाए। सम्राट अशोक इसलिए महान हो गए कि इन्होंने उस नरसंहार को अपनी आत्मा की दृष्टि से देखा और उनको लगा कि ये मेरे द्वारा गलत हो गया और इसका प्रायश्चित होना चाहिए। इस प्रायश्चित के लिए उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने जीवन को सर्वस्व कर दिया, अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संगीता को भी इस कार्य के लिए समर्पित कराया और इसको विश्वव्यापी स्तर पर इसका प्रचार किया, इसलिए अशोक महान हुए। तो इसकी महानता के लिए आप सभी भी आगे बढ़ सकते हैं, इस महान कड़ी को आप भी पा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे काम, गलतियां होगी उसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे काम भी थोड़े थोड़े होते रहना चाहिए। वे थोड़े थोड़े कार्य ही आपको महान बना देंगे, भले आप विश्वव्यापी महान ना हो लेकिन अपने जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ आपकी महानता जरूर बढ़ेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद और आप सभी सज्जनों का मेरी ओर से। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।